Hey guys, hi, welcome back to my channel Logon Go by Moshmi. आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है, चिकन ग्रेवी और बंगाली चिकन कोशा। मुझे आप लोगों से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मिली थी कि प्लीज़ बंगाली चिकन कोशा की रेसिपी शेयर कीजिए। तो अभी वीकेंड ही चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी ट्राई करने का मौका मिले। तो चलिए बनाते बंगाली चिकन कोशा। तो चलिए देखते हैं चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है। तो मैरिनेशन के लिए मुझे ये सारे स्पाइसेस लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है और नमक मैंने थोड़ा सा ही लिया है। अभी मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि अगर मैरिनेशन में आप ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दोगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, इसमें एक इलायची है, हाफ इंच दालचीनी है और एक लौंग है। और यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, एक छोटा साइज़ का टमाटर लिया है और तीन हरे मिर्च लिए हैं। और यहाँ पे मैंने चार छोटे साइज़ के आलू लिए हैं जो ऑप्शनल है। बंगालीज़ को अपने चिकन में आलू पसंद है तो वो ऐड करते हैं, आप चाहिए तो नहीं ऐड। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तेज़पत्ता लिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच जीरा पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने 10 गोल मिर्च लिया है और ये गरम मसाला है हमारा बंगाली गरम मसाला। दो उसमें मैंने इलायची लिया है, आधी इंच मैंने दालचीनी ली है और दो लौंग ली है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो अभी मैं इसमें से 1 टेबलस्पून मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी और 1 टेबलस्पून मुझे ग्रेवी के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है जो मेरे को गार्निशिंग में यूज़ होगा और मैं मिडल में भी ग्रेवी में इसको ऐड करूँगी। और हंग कर्ड मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास हंग कर्ड नहीं है तो आप ऐसे छन्नी में उसको रख सकते हो तो उसका सारा पानी निकल जाएगा। कभी भी चिकन मैरिनेशन के लिए आपको हंग कर्ड लेना है। और यहाँ पे मैंने 4.5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो आप इसको सनफ्लावर ऑयल में भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करके हमको 3 से 4 घंटे रखने हैं। तो अपने स्पाइसेस में ऐड कर देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही को मैं ऐड कर दूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूंगी। मैं इसको ढक के 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ मेरा चिकन मैरिनेट हो गया है। तो अब मैं चिकन ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर रही हूँ, इसमें तेल ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं अपने आलू को फ्राई कर लूंगी अच्छे से। मैंने तेल को हाई फ्लेम में रखा था, अब मैं इसमें मेरा तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें मेरे आलू ऐड कर दूंगी। तो अच्छे से रेड होने तक आपको फ्राई करना है। ये फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल लूंगी। हाई करके एक अच्छा मिक्स देना है मुझे। और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। फ्लेम को एकदम लो करके इसको कवर कर देना है।
अब गैस को मीडियम पे रख के मैं इसको कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। ऑनियन को पूरा ब्राउन कर रहा है। अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके बाद मैं अभी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी तो जब मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी तो ऑनियन का कुकिंग होना बंद हो जाएगा। तो मेरा ऑनियन अभी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। गैस को स्लो करके मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो मेरे ड्राई स्पाइसेस थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया के पत्ते ऐड कर दूंगी गैस के फ्लेम को लो करके इसको इसमें तेल निकलने तक इसको कुक कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें तेल पूरा बाहर आ रहा है एकदम निकल के। तो अभी मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी अपने। पॉइंट में अभी मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको मुझे इसमें ऐड करना है। अब जो जिसमें मैंने मैरिनेट किया था उसका जो मसाला था वो उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके उसको इसमें ऐड कर दूँगी और फिर से गैस को हाई फ्लेम में करके इसको चलाना। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूंगी क्योंकि इसमें दही है तो उसमें से पानी निकलेगा तो जो चिकन उसी में कुक होगा। इसको अभी ढक के कुक होने देना। तो चलिए चेक करते हैं चिकन ग्रेवी को। ओके अब मैं इसमें सबसे लास्ट में गरम मसाला जो मैंने अखा आपको दिखाया था उसको मैंने पेस्ट कर लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर दूंगी। मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। मेरी तो यमी चिकन ग्रेवी और बंगाली चिकन कौशल यहाँ पे रेडी है। तो आप भी जाइए और अपने घर वालों के लिए बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल थी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।